एक घने जंगल में एक पेड़ पर चुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक बिल्ली रहती थी। एक दिन चुन्नी अपने बच्चों के साथ घूमने गई तो पीछे में बिल्ली चुन्नी के सारे खाना चुरा कर खा लिया। जब चुन्नी अपने घोंसले में आई तो अपने खाना ना पाकर वह उदास हो गई। लेकिन बहुत दिन से बिल्ली वहीं रह रही थी, इसीलिए बिल्ली पर शक नहीं हुआ और चुन्नी ने बिल्ली से पूछा, मौसी बिल्ली, तुमने किसी को मेरे घोंसले के तरफ आते देखा? मेरे सारे खाना कोई खा गया? नहीं नहीं, हम किसी को नहीं देखा। तुम्हारे खाने किसने खाए? चुन्नी ने फिर से मेहनत करके खाना इकट्ठा किया और अपने घोंसले में रखी। कुछ दिन बाद फिर से बिल्ली खाना चुरा कर खा रही थी, लेकिन चुन्नी ने देख लिया। अच्छा मौसी, अब समझी कि सारा खाना तुम ही चुरा कर खाती हो। मुझे तुम पर शक जा रहा था, लेकिन अब विश्वास हो गया है। तुम मेरे खाना खा गई, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? मुझे भूख लगी थी, मैंने तेरी खाना खा लिया। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती हो। इतना कहकर बिल्ली चली गई। चुन्नी बहुत उदास हो गई और बिल्ली से अपना बदला लेने के लिए सोची। चुन्नी बदला लेने के लिए राजा के पास जा रही थी, तभी उसे नज़र शिकारी पर पड़े जो अपने जाल लगा रहे थे। शिकारी के एक और जाल जो पेड़ के नीचे रखे थे, उस जाल पर भी शिकारी की नज़र था। चुन्नी चिड़िया ने उस जाल को लेकर उड़ने लगी तो शिकारी ने चुन्नी चिड़िया को पीछा करने लगे। चुन्नी ने समझदारी से जाल को बिल्ली के ऊपर गिरा दिया। बिल्ली उस जाल में फंस जाती है। शिकारी ने जाल के साथ बिल्ली को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। इस तरह चुन्नी ने अपना बदला ले लेता है।